राजीव भवन रायपुर से वीडियो जारी करते हुए प्रवक्ता विकास तिवारी ने विष्णु देव साय के बयान पर किया पलटवार। राजधानी रायपुर शंकर नगर स्थित राजीव भवन से प्रवक्ता विकास तिवारी ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पहले अपने बिखरे पार्टी को समेटे फिर ज्ञान दें। प्रवक्ता विकास तिवारी ने विष्णुदेव साय से कहा कि तखतपुर मामले में राजनीति ना करें। विष्णुदेव साय ने बयान देते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ में किसान विरोधी नीतियों के चलते ही किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तखतपुर मामले में दिए गए बयान को लेकर प्रवक्ता विकास तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा अनर्गल बयानबाजी करती है। अध्यक्ष विष्णुदेव साय पहले अपने बिखरे संगठन पर ध्यान दे, फिर प्रदेश सरकार को ज्ञान दे। तखतपुर मामले पर भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार झूठा और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। किसान हितैषी होने का बात विष्णुदेव साय कहते हैं और कहते हैं कि आत्महत्या करने वाले किसान को 25 लाख रुपए नकद और उनके परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाए। कांग्रेस पार्टी विष्णुदेव साय जी से जानना चाहती कि रमन राज में सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या की, कितने के परिजनों को 25 लाख रुपया दिया गया और कितने के परिजनों को सरकारी नौकरी दी गई। भारतीय जनता पार्टी यह आंकड़े जारी करे। मोदी सरकार के काले कानून के विरोध चलते देश के 300 से अधिक किसानों की शहादत हुई। विष्णुदेव साय और भारतीय जनता पार्टी अगर सच्चे किसान हितैषी हैं तो मोदी सरकार से कहकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहकर सभी परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए नकद और केंद्र में सरकारी नौकरी दिलाए तो देश और प्रदेश की जनता यह माने कि विष्णुदेव साय जो किसानों के हित में बात कर रहे हैं, किसानों के लिए लड़ने की बात कर रहे हैं, वो सही साबित होगी। अन्यथा यह उनका प्रलाप केवल झूठा साबित होगा और उनके आंसू खड़ियाली आंसू साबित होंगे। कांग्रेस पार्टी भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय से यह भी जानना चाहती है कि लगातार किसानों के साथ जो अत्याचार मोदी सरकार कर रही है उस समय भाजपा क्यों चुप्पी साधे रखी है। इस बात की भी जानकारी देश और प्रदेश के किसान भाजपा से जानना चाहते हैं।